Hello dear students, hope you all are fine. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, A Gift of Chapels from the book Honeycomb. तो जैसे कि हमने कल जो पढ़ा था कि किस तरह से जो है मृदु को जो है उसकी ग्रैंड मदर जो है उनकी रुकुमानी के यहाँ जो है उसकी आंट का नाम है रुकुमानी और वहां पे जो है वो किस तरह से उनको ले गई थी और वहां उनके कजन्स जो थे रवि स्पेशली रवि ने जो है उनको किस तरह से ड्रैग करा था पुल करके कहाँ ले गए थे उनको बैकयार्ड ले गए थे और बैकयार्ड में उन्होंने क्या शेयर करा था उनके साथ एक जो है उन्होंने किचन रखी हुई थी जो कि उन्हें कहाँ मिली थी गेट के पास मिली थी अर्ली इन द मॉर्निंग और उसको जो है वहां पे उन्होंने एक फुटबॉल में जो है टॉन फुटबॉल थी उसके अंदर जो है उसने रखा हुआ था और एक क्या था वहां पे हाफ कोकोनट शेल था और जिसमें उन्होंने दूध पिलाते थे उनको दूध या पानी। तो किस तरह से जो है रवि जो है उसने क्या बताया था कि एक जो है थोड़ा सा दूध लाना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन क्योंकि अगर दादी देख लेगी किचन से दूध लाते हुए तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये किचन है। तो किस तरह से वो छुपते हुए आता था और किस तरह से जो है अपने किचन को फीड करता था तो उसने कहा अब जो है हमें दूसरा जो है तरीका जो है वे ढूंढना पड़ेगा टू फीड द किचन। तो इसको जो है किस तरह से उसका नाम क्या था महेंद्रन था एक रियल नेम था तो वो थोड़ी सी इंप्रेसिव हो जाती है मृदु और इसी को जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जिन बच्चों का अगर मिस हो गया है चैप्टर तो मैं एक रिव्यू दे रही हूँ आपको शॉर्ट रिव्यू कि जो कल पढ़ाया था उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जैसे कल भी मैंने आपको बताया था गिफ्ट ऑफ चप्पल्स तो यहाँ पे जिस चप्पल की बात करी है उसमें क्या है इंप्रेशंस पड़े हुए जैसे होते हैं ना पुरानी चप्पल कोई होती है उसमें इंप्रेशंस पड़े रहते हैं टो के इंप्रेशंस पड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू जो है क्लियर करने की कोशिश करी है। एक तो हम बोलते हैं कई बार बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते हैं परंतु अगर हम पिक्चर में उसको देखते हैं फोटो में हम उसको देखते हैं तो हमारी माइंड में बैठ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो चप्पल की बात कर रहे हैं उसमें क्या है इंप्रेशंस बने हुए जैसे आप लोगों के जैसे मैंने कल भी बोला था कि आपके घर में जो पुरानी चप्पल पड़ी है रबड़ की चप्पल होती है ना मोस्टली उसमें क्या पड़े रहते हैं मार्क्स पड़ जाते हैं टो के जो है इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे शो दिखाया गया है किस तरह से तो उसी चप्पल की बात करी है कि इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल अराउंड विद द होल पूरा चैप्टर जो है सी के उसमें है द चिल्ड्रंस लव और बच्चे किससे प्यार करते हैं एनिमल्स से। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है मृदु की बात हो रही है वो यंग गर्ल है और कहाँ पे रहती है चेन्नई में आजकल जो मद्रास लिखा है यहाँ पे मद्रास में और चेन्नई आजकल बोलते हैं। विक तापी तापी किसको बोलते हैं ग्रैंड मदर को थाता किसको बोलते हैं ग्रैंड फादर को साउथ में। वन आफ्टरनून तापी को कौन ले गए थे उनकी ग्रैंड मदर जो है कहाँ ले गई थी रुकुमानी के घर ले गई थी। रुकुमानी कौन थी उनकी आंट थी और जब वो वहां पे उनको वेलकम करते हैं और ओपन द डोर तो जैसे मैंने कहा बच्चे दौड़ के आते हैं सिमिलरली रवि जो है उसको ड्रैग करके जो है पीछे बैकयार्ड में ले जाता है और वहां पे क्या है एक किचन रखी है और किचन किसमें रखी है रवि ड्रैग करता है टू द बैकयार्ड। ठीक है बैकयार्ड में ले जाता है और वहां पे बिटरबेरी बुशेस हैं और वहां पे एक फुटबॉल है टॉर्न है और सैकिंग एंड फाइल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल और उसके अंदर कौन है एक स्मॉल किचन है। ठीक है और जैसे कल मैंने बताया था कि एनिमल्स जो हैं वो दूध कैसे पीते हैं अपनी जीभ जो है टंग का यूज करते हैं लैपिंग ड्रिंक समथिंग विथ टंग उसको क्या बोलते हैं हम लैपिंग ड्रिंक समथिंग विथ टंग। ड्रिंक समथिंग विद टंग टंग की हेल्प से। ठीक है और वहां पे क्या था एक कोकोनट हाफ शेल था वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट उन्होंने उसको किस तरह से बताया और इस क्रॉनिक का मतलब होता है सजेस्टिंग यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है थिन। ठीक है इट इज इन द ब्रैकेट तो इस क्रॉनिक मीन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इस क्रॉनिक थिन स्किनी
बहुत पतली सी, जो मतलब जिसकी भी चप्पल थी वो कैसा था, स्किनी था, थिन था, पतला। सेड इट्स अ सीक्रेट। अब वो बताती है कि ये किसका सीक्रेट है। अम्मा सेस पाती बिलीव कि अगर उनको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, किस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे बिटर बेरी बुश है, झाड़ियां हैं उसकी बुशेज हैं, और किस तरह से बच्चे जो है वहां पे किचन रखी है उन्होंने टॉन फुटबॉल में। ये तो कल हम पढ़े हैं, उसी का जो है रिव्यू दिया है मैंने। और यहाँ पे ये भी बताया था मैंने कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि लोग जो है हमें क्या बोलते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, टू बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स की प्रति क्या होना चाहिए, हमें दया का भाव होना चाहिए, पिटी होना चाहिए। बट वेन वी आर, जब हम ऐसा करते हैं तो दे स्क्रीम, तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, ठीक है, स्क्रीम करते हैं, गुस्सा करते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट, तो किसकी ये डर्टी जो है क्रिएचर जो है क्यों लाए हम। क्रिएचर मीन्स अनप्लीजेंट लिविंग थिंग्स, प्राणी या जीव की बात करी है यहाँ पे। और जैसे उसने कल बताया था कि किस तरह से वो दूध लाया कि ए लिटिल मिल्क, उसने किस तरह से बताया था कि इट इज हार्ड टू ब्रिंग अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि अगर दादी देख लेगी ये, पाती देख लेगी तो वो क्या करेगी, गुस्सा करेगी, तो इसलिए वो झूठ बोलता है कि मैं क्या हूँ, हंग्री हूँ। और किस तरह से वो मिसलीड, सेंट का मतलब कल बताया था मैंने, मिसलीड करना, कि उनको मतलब ये ना पता चले कि रियल पर्पस, व्हाट वाज द रियल पर्पस, कि उनका रियल पर्पस क्या था ये ना पता चले। तो इसके लिए वो जो है वहां से क्या करते हैं, छुपा के जो है झूठ बोल के जो है वो वहां से उनके लिए मिल्क लेके आता है, किसके लिए, अपनी किचन के लिए। तो ये हमने कल पढ़ाया था और उसका नाम क्या था, महेंद्रन था। और यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू बताया है कि किस तरह से जो है वो हाफ कोकोनट शेल में जो है क्या पिलाते हैं उनको, दूध या पानी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये चीजें हमने जो है यस्टरडे हमने जो है इसको पढ़ चुके हैं, तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लव पुन्नई, एमपी पुन्नई, शॉर्ट में यू कैन से इनिशियल्स ले रखे हैं तो हम उसको शॉर्ट में एमपी पुन्नई भी बोल सकते हैं। ही हैज अ फाइन ब्रीड, और जैसे कल मैंने बताया था कि उसके कैसे फर है, फाइन है और अच्छी नस्ल का जो है वो कैट है। ब्रीड मैंने डिस्टिंक्ट एनिमल और प्लांट, तो यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है तो डिस्टिंक्ट एनिमल। जस्ट लुक एट हिज फर, और वो कहते हैं इसके फर देखो जैसे कैसे हैं, लॉयंस के मेन मेन किसे बोलते हैं, हेयर ऑन द नेक, एनिमल्स के क्या होते हैं, हेयर ऑन एनिमल्स नेक। हेयर ऑन एनिमल्स नेक, जैसे लाइन के देखे होंगे कि बहुत सारे होते हैं शेर के, तो उस तरह से उसके बाल है और देखो कितने फाइन है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम, एम्बलम मीन सिंबल ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स। और उसने कहा क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट जो है पल्लव किंग्स है उनका सिंबल क्या है, ठीक है, एम्बलम मीन सिंबल, प्रतीक। तो वो क्या करती है, किंग्स वॉज, डोंट यू, क्या तुम्हें पता है, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली, ठीक है, एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली, उन्होंने आशा से उसकी तरफ देखा, ठीक है, एट मृदु, तो मृदु, तो मृदु क्या हुआ, गिगल्ड। अब गिगल्ड की क्या होता है, क्विक लाफ, जैसे होता है ना कि हमें आंसर नहीं पता, अजीब सी हंसी हंस देते हैं, तो उसको बोलते हैं गिगल्ड करना, क्विक लाफ, समथिंग ही, ठीक है, समथिंग फन। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, जरा इंतजार करो, आई विल शो यू सम टाइम। अब जब वो ऐसी हंसी लगती है कि मतलब क्विक लाफ करती है, तो उसको लगता है कि ये शायद इसको मजाक लग रहा है, तो वो कहता है कि क्या मैं जोक करता हूँ तुम्हारे साथ, क्या जोक कर रहा हूँ, थिंक आई एम जोकिंग, क्या मैं जोक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, कि तुम मेरा इंतजार करो, वेट मीन्स इंतजार करना, आई शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। और वो कहता है कि मैं तुम्हें, आई विल शो यू सम टाइम, कि क्या तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, हैवंट बीन,
क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? किसे बोलता है? मृदु से बोलता है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली. अब व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टीरियसली? माने थोड़ा सा स्ट्रेंज, रहस्यमय ढंग से पूछता है वो. मिस्टीरियसली, स्ट्रेंज, ठीक है. और सीक्रेटिव, सीक्रेट मतलब रहस्यपूर्ण ढंग से उससे पूछता है. ही सेड मिस्टीरियसली, वेल व्हेन आर क्लास, ठीक है कि व्हेन आर क्लास वेंट टू, कि एक बार क्या होता है, हमारी क्लास कहाँ गई थी? वेंट टू महाबलीपुरम. कहाँ गई थी? महाबलीपुरम गई थी. आई सॉ अ स्टैच्यू. अब वो बोलते हैं कि मैंने क्या देखा, एक स्टैच्यू देखा. किसका स्टैच्यू? इमेज और मॉडल. स्टैच्यू किसको बोलते हैं? इमेज या मॉडल. कि मैंने मॉडल किसका देखा था? ऑफ इज थाटास. इट मींस कितना पुराना. थाटा मींस ग्रैंडफादर. जैसे मैंने पहले बताया था कि साउथ में क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर को? थाटा. तो उन्होंने कहा थाटा 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 एक्सेट्रा, मतलब बहुत पुरानी जो है. ऐसा स्टैच्यू जो हम महाबलीपुरम गए थे हमारी क्लास. तो फैक्ट इज, तथ्य क्या है कि जो महेंद्र ने, महेंद्र कौन है? रवि की किचन. किसकी किचन है? रवि की. तो वो कह रहा है कि ये जो फैक्ट है, तथ्य क्या है, वही बता रहे हैं यहाँ पे. रवि बता रहे हैं मृदु को, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि इसको कुछ आता नहीं है. तो वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता है, पता नहीं है. और वो बताने की कोशिश करें कि एक बार जब हम महाबलीपुरम गए थे तो वहां पे उन्होंने क्या देखा था. थाता के क्या देखा था? एक स्टैच्यू देखा था. और फैक्ट क्या है कि जो महेंद्र ने, जो उसकी किचन है, ही हियर इज डिसेंडेड. अब व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंडेंट? मूविंग डाउनवर्ड, मतलब वंशज. डिसेंडेंट मींस वंशज. कि उसका उत्तराधिकारी, जैसे बोलते हैं ना, मूविंग डाउनवर्ड, वंशज, ठीक है. फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि जो महेंद्रन है उन्हीं की जो है क्या है, डिसेंडेंट है. फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, जो पुराने जमाने की जो थी कैट थी, उसी की क्या है ये, डिसेंडेंट है. एक को क्लोज रिलेटिव, एक बहुत जो है सगी संबंधी जिसको बोल सकते हैं. और साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक रूप से जो है साइंटिफिकली अगर बात करें, ऑफ नन अदर देन द लाइन, तो तुम कह सकते हो कि ये लाइन फैमिली को जो है बिलोंग करती है, ठीक है. द पल्लव, पल्लव लाइन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. पल्लव लाइन जो है वो कौन है? एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी. या मैंने बताने की कोशिश करी है सिंबल, कि किसका सिंबल है ये? पल्लव डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स साम्राज्य, ठीक है. पल्लव साम्राज्य का जो है लाइन क्या है? प्रतीक है, सिंबल है. यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है. तो वो उसका कहने का मतलब था कि जो यहाँ पे मेरी जो कैट है, ये किसकी डिसेंडेंट है? सेम कैट की डिसेंडेंट है. या यू कैन से साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो कैसी है वो? लाइन की तरह है, ठीक है. नन अदर देन द लाइन, स्पीकिंग ऑफ, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ, नन अदर देन द लाइन. द पल्लव लाइन, और पल्लव लाइन क्या है? एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, साम्राज्य. पल्लव साम्राज्य के क्या है वो? प्रतीक है, सिंबल है. डायनेस्टी मीन्स साम्राज्य. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर. अब जो है रवि जो है रुका नहीं, ठीक है. वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश. अब बिटर बेरी बुश, जैसे अभी मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग, तो इसको क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प स्मॉल जूसी फ्रूट, कड़वा सरस फल. हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़वा सरस फल. बेरी जैसे बेर भी हो सकता है, कड़वा बेर की बुशेस थी वहां पे, कटीली झाड़ियां जैसे होते हैं ना, बुशेस होती हैं. तो वो जो है वहां पे वेंट ऑन, रुका नहीं, वो चलता रहा. वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वीविंग अ ट्विग अप. अब ट्विग किसको बोलते हैं? ट्विग को जो हमारे कोई प्लांट होता है उसके ऊपर का जो नया जो कोम्पली जो होती है, ट्विग अपर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्विग अप. एंड डाउन,
और उसने जो है ट्विग मीन्स स्मॉल ब्रांच, ठीक है, उसने उसको पकड़ा और उसको क्या कर रहा था, वेव कर रहा था, वेविंग अप एंड डाउन, किसको कर रहा था, ट्विग को, स्मॉल ब्रांच, ठीक है, वेविंग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें क्या कर रही थी, चमक रही थी, कि उसे लग रहा था कि जो उसकी कैट है, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, कि वो किसकी वंशज है, ऑफ नन अदर देन द, कि किसकी है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की जो है वो क्या है, डिसेंडेंट है, वंशज है, जो उसने आज कैट जो मॉर्निंग में मिली थी उसको कहां मिली थी, गेट के पास मिली थी, तो उसे लग रहा था कि ये वाली जो कैट है वो किसकी है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की जो है डिसेंडेंट है, वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें जो है रिमाइंड करूं, तो दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो एंशिएंट इजिप्ट में जो है कैट की जो क्या करते थे, पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, किसकी करते थे, कैट की, बिल्लियों की जो है वो वर्शिप करते थे एंशिएंट इजिप्ट में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, क्यों उन्होंने कहता कि हाउ ही लव, कि कैसे उसे जो है अपनी आवाज जो है, वॉइस जो है पसंद थी, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और उन्होंने जो है एक लुक दिया एक दूसरे को, किस किस ने, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, होता है ना कि जब हमें कोई चीज कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती, या हमें कोई मजाक लगता है, या कुछ हमें स्ट्रेंजिंग लगती है, तो हम एक लुक देखते हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने जो है मीना और मृदु ने क्या करा, एक दूसरे को एक लुक दिया। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Oh, I'm telling you that this cat is descended from the Egyptian. अब उसने क्या बोला कि मृदु ने डिमांड किया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि I am telling you this cat जो है is descended from the Egyptian cat dog. कि ये जो कैट है वो किसकी है डिसेंडेंट, इजिप्शियन कैट डॉग, वो कहते हैं कि वो ये गॉड की है, तो वो कहते हैं नहीं ये गॉडेस की है, गॉडेस मीन्स देवी की है, ठीक है, वो कहते हैं देवता की है, तो वो कहते हैं नहीं देवी की है, गॉडेस मीन्स सुपर नेचुरल बींग, देवी कैट डॉग, नो गॉडेस बास्टेड, या दैट्स इट, सो वेल One of the descendants of that cat goddess. तो कहते नहीं ये जो है वो cat dog goddess का ही जो है ये क्या है एक descendant है, क्या है वंशज है. Was he stowed away? अब what do you mean by? यहाँ पे मैं meaning लिख रही हूँ. Somebody who hides somebody. Who hides on a ship? ठीक है, तो उसने कहा कि cat goddess was so well one of the descendant. अब वो कह रहे कि जो एक descendant थी, किसकी descendant थी, cat goddess की descendant थी, उसने क्या करा, stowaway मने somebody who hides on a ship, कि वो चुपचाप से जो है शिप में छुप गई. तो जब वो अपने बात को क्या है जस्टिफाई कर रहा है कि एक कह रहा है कि नहीं ये तो कैट गॉड है, दूसरा कह रहा है नो गॉडेस है, तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं कि वो जो है एक डिसेंडेंट जो थे कैट गॉडेस के जो डिसेंडेंट थे वंशज से, एक बार ही क्या हुए थे वो शिप में जो है हाइड हो गए थे, छिप गए थे. स्टोवे का मतलब क्या होता है, समबडी हु हाइड्स ऑन अ शिप, इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, जब पल्लव शिप्स थे उनमें जो है एक कैट गॉडेस जो है क्या कहते हैं छिप गए थे वहां पे. एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम, और वही जो है कौन है वो, ऋषि कैट, महाबलीपुरम ऋषि कैट, कौन है ऋषि कैट की, एक बारी क्या हुआ था कि एक जो थी कैट गॉडेस का जो है डिसेंडेंट जो था वंशज जो था, एक बार जो है इसमें छिप गया था शिप में, पल्लव शिप में,
जो है छिप गए थे, और वही जो है वो क्या कह रहे हैं, महाबलीपुर ऋषि कैट है, हूज डिसेंडेंट इज, अब वो बोलते हैं हूज डिसेंडेंट क्या है, डिसेंडेंट इज महाबलीपुरम ऋषि कैट जो है उसी का जो है क्या है क्या है डिसेंडेंट है, वंशज है, रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्रिक एट महेंद्र एमपी पुणे हियर। अब जो है वो अपनी बात को जो है बार बार जो है वही बोल रहे हैं, फ्लोरिस्ट मिलते होते हैं ड्रामेटिक बॉडी मूवमेंट, तो उन्होंने अपनी ट्विक को जो है घुमाना शुरू कर दिया। तो फ्लोरिस्ट का मतलब क्या है, व्हाट आई मीन बाय फ्लोरिस्ट, ए ड्रामेटिक बॉडी मूवमेंट, ठीक है, हिज ट्रिक एट महेंद्र, महेंद्र के ऊपर जो है उन्होंने उसको ट्रिक को जो है एक ड्रामेटिकली जो है क्या करना करा, उसको वेव करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। एमपी पुणे हियर, उसका नाम पूरा क्या था, एमपी पुणे, तो महेंद्र के ऊपर जब वो करता है रवि, हु पीक ही श्रेक, अब एक तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है, चिल्लाता है, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ महेंद्र लुक्ड अप अलार्म। अब जो थोड़ा सा क्या हो जाती है, महेंद्र जब कोई छेड़ता है जानवरों को तो क्या होता है, थोड़ा सा अलार्म्ड हो जाते हैं, चौकन्ने से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्हें मेक श्रिल साउंड, जब उन्हें चिल्लाना करा, तो महेंद्र लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एक जो है आवाज प्रोड्यूस करी उसने, श्रीक करा, श्रीक माने क्या होता है, चिल्लाना, मेक श्रिल आवाज, चीख मारना, श्रीक माने श्रीक, मेक श्रिल साउंड, मेक श्रिल साउंड, एक होता है ना कर्कश से आवाज से चिल्लाना, श्रिल आवाज, श्रिल साउंड, जोर से चिल्लाना, अजीब सी प्रोड्यूस करना। तो वो जो महेंद्र थे लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा और थोड़ी सी क्या हो गई, अलार्म, अलार्म माने थोड़ा सा चौकन्ना सा हो गई, अलार्म। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब जैसे मैंने बताया था उसके पास क्या पड़ा हुआ था, एक कोकोनट क्या था, शेल था, उसमें वो क्या कर रही थी, अपने जो क्लॉज थे उसके जो पंजे हैं वो क्या कर रही थी, शार्प कर रही थी उसको, ठीक है, क्या कर रही थी वो, शार्प कर रही थी। His claws on the edge, edge माने कोना, जो कोकोनट, जो क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हार्ड होता है बाहर का आउटर जो होता है वो क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड, तो उसमें जो है वो अपने क्लॉज को क्या कर रही थी, शार्प कर रही थी। यहाँ पे देखो बिल्ली को दिखाया है, यहाँ पे कैट को थोड़ी सी क्या हो गई, अलार्म्ड हो गई, चौकन्नी से हो गई, ठीक है, जब उसने आवाज करी या ट्विक जो है मूव कर रहा था उसके ऊपर, तो वो थोड़ी सी क्या हो गई, अलार्म्ड हो गई, क्योंकि और क्या कर रही थी, व्हाट शी वाज डूइंग, क्या कर रही थी वो, शी वाज शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, क्या कर रहा था वो, कोकोनट शेल में जो है अपने पंजों को जो है शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वाज़ ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, परंतु विंडो से जो है एक आवाज आ रही थी, क्या आ रही थी, एक कर्कश सी आवाज आ रही थी, कहां से आ रही थी वो, विंडो से आ रही थी, व्हाट ए वियर्ड साउंड, वियर्ड माने एक अजीब सी आवाज आ रही थी, खराब सी जो है आवाज आ रही थी, वियर्ड साउंड, तो वो कहते कि व्हाट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु वॉज स्टार्टेड MP Pune was frightened out of his wits. Hair standing on end. अब उसने जो है बाल खड़े कर लिए. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. और वहाँ पे जो है एक tray में क्या रखी हुई थी? Red chili. Red chili means लाल रंग की मिर्चियाँ रखी हुई थी. ठीक है. Scurried मैंने move briskly. डराने मतलब जैसे होता है ना डराने के लिए दौड़ना. उसको बोलते हैं. Move तो वहां से जो है खिड़की से एक जो है कैसी वियर्ड सी साउंड आ रहा था, इफ मृदु वाज स्टार्टेड एमपी पुणे जो है थोड़े से क्या हो गई, फ्रेटेंड हो गई आउट ऑफ हिज विट्स, हियर स्टैंडिंग ऑन एंड ही bounced up, और जैसे बाल खड़े कर देते हैं तो उसने एकदम से जंप मारा towards a bamboo tree, और वहां पे जो है एक bamboo tree पड़ी हुई थी और उसमें क्या थी, red chilies,
लाल रंग की मिर्चियां रखी थी दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. अब जैसे मम्मी लोग घर में करते हैं ना, ट्रे में मिर्ची सुखाते हैं, तो सिमिलरली वहां पे एक बैम्बो ट्री था, वो ट्रे था, और बैम्बो ट्रे में क्या था, रेड चिलीज थी. और जैसे ही वो उस पर जंप करता है तो क्या होता है, इसको आगे देखते हैं. जो किस लिए रखी हुई थी रेड चिलीज, दैट हैव बीन सेट आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए रखी हुई थी वहां पे. Trying to hide beneath it. अब वो क्या कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे जो है वो trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow. He howled miserably. अब वो जो है क्या करने लगी, म्याऊ करने लगी, क्योंकि उसकी क्या थी, जो थोड़ी सी जो क्या थी, मिर्ची जो थी tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. The creaking went on, went. और जो वो आवाज आ रही थी, वो लगातार जो है वहां से आवाज आ रही थी, कहां से आ रही थी, और उसने क्या करा, जो मिर्चियां सुखाने के लिए रखी हुई थी, और जब वो दौड़ने लगी वहां से, तो उसके नीचे छिपने की कोशिश करी उसने, ट्रे के नीचे जो है जहाँ पे मिर्चियां रखी थी सुखाने की, तो वहां पे क्या करने की कोशिश करी उसे, हाइड बिनाइट. हाइड मीन्स हाइड बिनीथ, मने उसके नीचे जो है, बिनीथ मने नीचे, हाइड मने छिपना, तो उसके जो है नीचे छिपने की कोशिश की. उसने कुछ मिर्चियां जो है अपने ऊपर भी गिरा ली और क्या बोली थी, म्याऊ. ही होल्ड विल होल्ड में चिल्लाई मिजरेबली. द क्रीचिंग वेंट ऑन वेंट. और जो क्रीचिंग, जो आवाज आ रही थी वहां पे, कैसी आवाज आ रही थी, एक जो है शिल से आवाज आ रही थी वहां पे. किसकी आवाज थी, आप देखो यहाँ पे क्लियर है, क्रीचिंग वेंट ऑन वेंट. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. मृदु ने कहा ये किसकी आवाज है, That's Lally learning to play the violin. जो विंडो से आवाज आ रही थी वो किसकी आ रही थी, कि वो जो है जो क्रीक की आवाज आ रही थी, आवाज बढ़ती गई, और ये आवाज किसकी थी, ये कैसी आवाज आ रही, मृदु ने बोला. मृदु ने क्या बोला, ये किसकी आवाज है, ये कैसी आवाज है, What's that noise? कैसी आवाज है, said मृदु. तो that's Lally learning to play the violin. कौन सीख रहा था वायलिन, लल्ली सीख रही थी, और उसकी आवाज जो है जिसको वो कहते हैं वियर्ड वॉइस है, तो वो आ रही थी वहां से. ग्रंटेड रवि, ग्रंटेड माने सी समथिंग इन थ्रोटली बस्ट, गुर्राना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुर्राना. ग्रंटेड, जोर से बोलना, गुस्से में बोलना, ठीक है. सी समथिंग Say something in throaty burst. हिंदी में क्या बोलेंगे, गुर्राना. ठीक है, तो उसने गुस्से में बोला, अरे ये किसकी आवाज है, उसने पूछा ये कैसी आवाज है, तो उसने कहा ये लल्ली की आवाज है. लल्ली क्या कर रही है, She was playing, या learning violin. वायलिन सीख रही है वो, ठीक है. तो शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीखेगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग. अब उसने कहा कि ऑन एंड ऑन वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक. कि वो जो है डीरेलिंग का मतलब होता है कम ऑफ रेल्स, ऑफ जैसे होता है ना पटरी से बाहर निकल जाना, तो यहाँ पे वही उसी लिए बोला डीरेलिंग, कम ऑफ रेल्स, पटरी से उतरना. फिर मास्टर जी तो उसको रोज सिखाते हैं, ठीक है, परंतु वो जो है हमेशा जो है क्या होती है, पटरी से, मतलब उसको मतलब सीख नहीं पाती इजीली. तो यहाँ पे वही बोला है कि क्या कि उसने कहा किसकी आवाज आ रही, तो उसने कहा ये तो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी. किसने बोला, रवि ने बोला कि जो म्यूजिक मास्टर है वो क्या है, रेल के जो है क्या है, जैसे रेल होता है ना विजलिंग विजिंग करते, मतलब आवाज करते हुए आती है, तो उन्होंने कहा जैसे रेल जो है क्या करता है कि आवाज करके सन्नाटे में, मतलब एक जो है जब ट्रेन आती है तो सबको पता है ना कि किस तरह से आवाज करती है, गो एंड गो,
किसी की परवाह नहीं करती और बोलती रहती है। तो उन्होंने कहा सिमिलरली जो है ललीज को जो है मास्टर जी क्या करते हैं, म्यूजिक मास्टर क्या करते हैं, उसे सिखाते रहते हैं और परंतु वो जो है पटरी से उतरी रहती है, मतलब पटरी से उतरी उतरी रहती का मतलब क्या है, डीरेलिंग मीन्स कि वो सीख नहीं पाते, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, हमेशा जो है ट्रैक से जो म्यूजिक मास्टर सिखाते हैं उसको जो है समझने में वो शी वाज अनेबल कि नहीं सीख पाती है। तो वो कहते हैं कि ये तो कभी भी कुछ नहीं सीख पाती। कौन से कहता है, हु सेड, रवि कहता है ये बात मृदु से, जब मृदु बोलती है कि किसकी आवाज आ रही है तो वो क्या बोलता है कि ये जो है कभी कुछ सीख नहीं पाएगी क्योंकि म्यूजिक मास्टर जो है इसको रोज जो है बताते हैं परंतु ये रोज जो है आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग है, वैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बताए थे। थाथा मीन्स ग्रैंड फादर, इंता मेल डिसेंडेड मीन्स अ डिसेंडेड ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है, एक ही फैमिली से आते हैं वंशज, स्टोवे मने समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप, जैसे मैंने बताया था कि शिप में जो है जो एंशियंट कैट है जो गॉडेस की है वो जो है वहां पे छिपके आ जाती है किस तरह से अननोटिस, कोई जो है उनको नोटिस ना करे। वियर्ड मने स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अच्छी जो है स्ट्रेंज है। थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स मिसलीड हर, कि अपना रियल पर्पस उनको नहीं बताना और उनको क्या करना, मिसलीड करना। पाती ग्रैंड मदर इन तमिल और स्क्रॉनी थिन स्किनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आज हमने कंप्लीट करा है। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ठीक है, वो अब फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है रवि जो है उनको बताता है कि उनकी जो कैट है वो कहाँ से है, एंशियंट जो है जो कैट है महाबलीपुरम ऋषि कैट की है, ऋषि कैट है उसके क्या है ये डिसेंडेंट है। तो अभी हम जो है इसके फर्स्ट पार्ट के जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसने उनको बताया था कि किस तरह से हिस्ट्री बताई थी अबाउट दैट कैट। चैप्टर सेकंड, पार्ट वन, ये दो पार्ट में अभी हमने पार्ट वन कंप्लीट करा है। और अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, अभी आप लोग सोचेंगे कि चप्पल्स के बारे में तो आया नहीं है, तो अभी सेकंड पार्ट है इसका, तो उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। एंड द नेम ऑफ द बुक इज, बुक का नाम है हनीकॉम, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है बच्चों, व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट that Meena shares with Mridu in the backyard, बैकयार्ड में उन्होंने क्या जो है सीक्रेट जो है शेयर करा था इन द बैकयार्ड। कि वो राज क्या था जो मीना ने शेयर करा मृदु के साथ। ठीक है, तो क्या शेयर करा था कि मीना टोल्ड मृदु
अब यहाँ पे क्या बोले लिखेंगे हम, हाउ टू राइट द आंसर. मीना टोल्ड मृदु, क्या बोला था अबाउट द स्मॉल किचन, अबाउट द, क्योंकि एक बिल्ली जो है उन्होंने क्या बच्चा जो था बेबी कैट, किचन, अबाउट द स्मॉल किचन विच वॉज लाइंग, कहाँ पे था वो, इनसाइड विच वॉज लाइंग इनसाइड द टॉर्न फुटबॉल, इनसाइड द टॉर्न, फटा हुआ जो था फुटबॉल था, एंड लैपिंग मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल में से क्या कर रहा था वो, दूध पी रहा था, और कैसे कर रहा था, लैपिंग, लैपिंग माने विद द हेल्प ऑफ टंग. और उन्होंने क्या बताया था, ही सेड टू मृदु, ही सेड टू मृदु, और ये कहां से मिली थी उसे, मृदु, दैट दे फाउंड They found him outside the gate this morning. Outside the gate. Outside the gate this morning. This morning. वट इज आंसर, मीना टोल्ड मृदु. अब यहाँ पे पूछा हुआ ना, वट इज द सीक्रेट दैट मीना, मीना ने जो है शेयर करा था मृदु के साथ. मृदु के साथ क्या करा था, इन द बैक यार्ड. तो क्या शेयर करा था, उसने बताया था उसको कि मीना टोल्ड मृदु अबाउट द किचन विच वॉज लाइंग इन साइड द टॉर्न फुटबॉल एंड लैपिंग मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल. She said to Mridu that they found, कहाँ मिला था, him outside the gate this morning. तो बच्चों आज हमने जो है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट वन जो है कंप्लीट कर लिया है, और एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, और इसी को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू, और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.